नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे फंड कटौती में सियासत की। देश महामारी से जूझ रहा है, कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में केंद्र की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती कर दी। इतना ही नहीं, जो सांसद निधि क्षेत्र है, निधि फंड है, उसको भी एक साल के लिए बंद कर दिया। उसी की तट पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने मंत्रियों विधायकों की सैलरी 30% कमी कर दी है, और इसी के साथ साथ में विधायकों को मिलने वाला फंड जो कि क्षेत्र विकास के लिए होता है उसको भी एक साल के लिए रद्द कर दिया है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और 100 विधान परिषद सदस्य हैं, यानी कि 503 कुल विधायक यहां पर हैं, और इस हिसाब से जोड़ा जाए तो विधायकों की जो धनराशि काटी गई है वो करीब बनती है 2,21,00,000। और इसी तरीके से अगर इन विधायकों की फंड की बात करें, क्षेत्र विकास निधि की बात करें, तो करीब 15,28,00,000 रुपए बनता है जाकर के। इस बीच बताते चले आपको कि 28 फरवरी के पहले तक विधायकों को 2,00,00,000 रुपया मिलता था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन 28 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ा करके 3,00,00,000 कर दिया था। तो 503 करोड़ विधायक है, अर्थात कुल मिलाकर के 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये फंड बनता है। तो दोनों को अगर हम टोटल करें तो 17,50,000,000 का फंड आता है जो सरकार के पास बचेगा, और सरकार का दावा है कि वो इसको कोरोना की महामारी से लड़ने में लगाएंगे। अच्छी बात है, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के अब सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी का मानना है कि चुनावी साल, और यह भी बताते चले आपको कि सरकार के 3 साल बीत चुके हैं, मात्र 2 साल बाकी हैं और 6 महीने तो चुनाव में ही निकल जाते हैं, यानी कि कुल डेढ़ साल ही बाकी है सरकार के पास में और विधायकों के पास में अपने जनता को लुभाने के लिए। ऐसे में इन विधायकों को ये चिंता सताने लगी है कि अगर उनके क्षेत्र विकास निधि नहीं मिलेगी तो उनके लिए मुश्किलें पेश हो जाएंगी, और यही कारण है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने के विधायक तो अपने क्षेत्र विकास निधि का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन उनको इसका इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा है, और वो भी चुनावी वर्ष से 1 वर्ष पूर्व। और इतना ही नहीं, उनका ये भी आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने विधायकों को 10-10 करोड़ के काम करने की बात की थी कि आप अपने काम लाइए, वो 10 करोड़ के काम आपके क्षेत्र के विकास के लिए करा देंगे। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, लेकिन विपक्ष के विधायक इन सब चीज़ों से महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, और यही कारण है कि उनको इस बार की चिंता सता रही है, उन्होंने इस पर सियासत शुरू कर दी है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या। और इसके बीच एक और आपको खबर बताते चलें कि जो कांग्रेस की विधायक दल की नेता हैं मोना, उन्होंने कहा है कि अच्छा होता कि विधायक निधि को खर्च करने दिया जाता और विधायक अपने क्षेत्र में कोरोना से लड़ने के लिए वहां के सारे इक्विपमेंट और जितने भी अस्पताल हैं उनको अपग्रेड करने के लिए लगाते, तो इससे विधायकों का भी फायदा होता। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये सियासत है, क्यों ये सियासत हो रही है, क्या ये सियासत सही है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इसको, उनके दर्द को समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।
मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी में कटौती और 2 साल के लिए सांसद निधि पर रोक लगाई तो केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने विधायकों की सैलरी में कटौती और विधायक निधि फंड रोकने का फैसला लिया है। हालांकि तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को सूबे के सभी मंत्री, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की सैलरी में 30% की कटौती और 1 साल के लिए विधायक निधि को खत्म करने का फैसला किया। बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने अपने फैसले पर मुहर लगा दी और सारे पैसों को राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए लगाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कुल 503 सदस्य हैं, जिनमें से 403 विधानसभा सदस्य और 100 विधान परिषद सदस्य शामिल हैं। प्रदेश के सभी मंत्रियों के वेतन और भत्तों की 30% रकम की कटौती से 2,21,76,000 रुपए बनता है। प्रदेश में विधायक और विधान परिषद के सदस्य मिलने वाली 1 साल की विधायक निधि से 15,28,74,000 रुपए का फंड होता है। इस तरह से 1 साल में 17,50,50,000 रुपए कोविड केयर फंड में जमा होगा, जिसे यूपी सरकार चिकित्सीय सुविधा को मजबूत करने में खर्च करेगी। बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई में देश में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने मदद का हाथ बढ़ाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती का फैसला किया। ये रकम भारत की संचित निधि में जमा होगी। इसके अलावा सभी सांसदों के वेतन में साल भर के लिए 30% की कटौती होगी। यूपी की योगी सरकार भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ी है, लेकिन योगी सरकार के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, बीएसपी के नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। विपक्ष के नेताओं ने सैलरी कटौती को तो ठीक बताया, लेकिन इसका आने वाले चुनाव में भी असर पड़ने का अंदेशा जताया। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी विधायकों के 10 करोड़ तक के विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी खुद ली है। ऐसे में विपक्ष के सामने अपने क्षेत्रों में विकास कराने का संकट है, जिसका सीधा असर यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता फंड में कटौती के फंडे पर दबी जुबान से विरोध भी जता रहे हैं। कोरोना से जंग के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, फिर चाहे वो लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो या फिर जिलों को सील करने की। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि बैठकों का दौर भी चल रहा है। कोरोना की जंग में खुद के हाथ मजबूत करने के लिए सरकार ने फंड में कटौती और सैलरी में कटौती पर मोहर लगा दी है, लेकिन विपक्ष द्वारा मिल रहे समर्थन के बीच फंड कटौती की सियासत ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज। जी हाँ, तो विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपको फंड अपने काटना था और आपको लेना ही था, कोरोना महामारी से लड़ना था, तो विधायकों को ये फंड दे दिया जाता और रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती कि वो सिर्फ इस महामारी से लड़ने के लिए ही इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और अपने क्षेत्र में इस जो अस्पताल हैं या इन सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को खरीद करके वहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, लोगों को राहत दे सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, स्वागत है आपका। प्रभात त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं, मजहर नकवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका मजहर साहब। और आनंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दो और खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है अंशु जी। और भूपेंद्र तिवारी प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो बताएंगे कि इससे कितना नफा और कितना नुकसान होता है, आपका भी स्वागत है भूपेंद्र तिवारी जी। सीधा रुख करेंगे अमित त्रिपाठी का। अमित, विपक्ष का आरोप, आप सियासत कर रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को उनकी क्षेत्र विकास निधि से वंचित किया जा रहा है, जबकि भाजपा के विधायकों को पूरी रकम मिल रही है कि वो खर्च कर सकें। देखिए प्रदीप जी, जैसे आप जानते हैं पूरा देश, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है,
हम सब भी उसी की चपेट में, आज हमारा देश भी उसकी चपेट में है। तो हमारी सरकार आप देख रहे हैं लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हम इस जंग को जीते। जहां तक बात है कि ये निधि कटने की, देखिए आज सबसे बड़ी विषय ये है कि हमारी ये जंग कहीं से भी कमजोर ना पड़े, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज से हफ्ते भर पहले अपना अकाउंट नंबर जारी करके एक राहत कोष बनाया, जिसमें सबसे देश भर के लोगों से अपील की कि इसमें फंड को डाला जाए, जिससे ये पैसा देश में आए और हम उस लड़ाई को किसी तरीके से कमजोर ना पड़े और जीत सके। दूसरी तरफ है कि जो विपक्ष का आरोप है, देखिए सबसे पहले चुनाव क्यों देखते हैं, आज पहला विषय होना चाहिए कि हमारे लिए हमारी जनता जिसको हमें बचाना है। आज जो हम चुनाव जीत के आते हैं तो किसके लिए आते हैं, जनता के लिए आते हैं। तो जनता ही नहीं रहेगी तो हम आगे आने वाले चुनाव को क्या करेंगे। पहले तो हम अपने जो जनता है उसको बचाएं, उसके हितों के लिए जो ये पैसा सरकार ले रही है वो गरीबों के जो हितों के लिए है वो लेने के लिए काम कर रही है, इसलिए इसको चुनाव से ना जोड़े। देखिए चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र की राजनीति करती है, इसलिए हम राष्ट्र के लिए पहले राष्ट्र सोचेंगे बाद में चुनाव सोचेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, कोई भी राज्य कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई भी विधानसभा किसी की नहीं वंचित रहेगी, विकास हर विधानसभा में होगा। लेकिन आप लोग हर चीज में राजनीति मत कीजिए, आप सरकार के साथ खड़े होइए, मेरा अनुरोध है, क्योंकि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती है। ठीक है अमित त्रिपाठी, आपने कहा कि आप राजनीति का ना कीजिए, सभी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। सवाल आपसे इसलिए लेंगे क्योंकि क्षेत्र का विकास किया जाएगा उसका फायदा तो आपकी पार्टी को ही मिलेगा ना, जवाब बाद में लेंगे। हमारे साथ आनंद पांडे जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आनंद जी क्या कहना है आपका? आज तक इन्होंने ये कह रहे हैं, आज कोरोना का एक बहाना ले करके कर रहे हैं, इन्होंने कभी 6 साल के अंदर देश के अंदर ना विकास किया है ना कभी प्रदेश के अंदर विकास किया है। आज इनको कैसी स्थिति बढ़ गई, जरा सी भी देश के अंदर छोटी सी एक मुसीबत भर आ गई तो ये आज हाय तोबा मचाने लगे। अभी तक ये क्या कर रहे थे, 70 सालों से जो आपातकालीन का पैसा था ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक से पहले ही निकाल करके पता नहीं कहाँ पर लगा दिया, इसी दिन के लिए वो पैसा रखा जाता था। आज पीएम राहत कोष भी बनाया गया जिसमें हमारे देश के जितने भी पूंजीपति हैं और जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं हर घर के कोई 1,000 रुपया, कोई 2,000, कोई 5,000 रुपया पीएम राहत को मतलब जो फंड बनाया है आपदा कोष, उसमें पैसा सब जमा किया जा रहा है। आज ऐसा क्या कारण हो गया? और पीएम एक राहत कोष अलग होता है जो हमेशा चलता आया है, इनको अलग एक फंड बनाना पड़ गया। अगर अलग फंड पीएम राहत कोष कहाँ गया, अलग जो फंड बना रहे हैं ये कहाँ गया, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आप सीधे चलिए सांसदों की आपने निधि काट ली, 30% आपने वो उनकी तनख्वाहें काट लें, अच्छी बात है क्योंकि वो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, मगर साथ में क्षेत्र का विकास भी होना अति आवश्यक है। भाई आज हमारे आप हमारे विधायकों का फंड काट लेंगे, आप इस महामारी से लड़ना चाहते हैं, अरे हमारे विधायकों को जिस क्षेत्र में हॉस्पिटल हैं जहाँ पे दवाइयों की जरूरत है जहाँ पे वो हैं उनके उसी फंड के पैसे से वो अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनकी वो करेंगे, हर चीज करेंगे। अरे आप जो दवाइयां भेजते भी हैं वो आज तक हॉस्पिटल में आती नहीं है, वो उठा करके वैसे भी बेच ली जाती है, भ्रष्टाचार सबसे पहले चला हुआ है, अस्पतालों की हालत इतनी दुर्दशा आपने कर दी है। भ्रष्टाचार की बात बाद में करेंगे भाई, आनंद पांडे जी भ्रष्टाचार की बात बाद में करेंगे, और हम अभी बात कर रहे हैं इसको फंड के लेकर के सियासत की। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए, अंशु आपका क्या कहना है? चलिए अभी अंशु अवस्थी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनका बाद में हम रुक करेंगे। जी मजहर नकवी साहब का रुक करें, मजहर नकवी साहब जी, विपक्ष आवाज उठा रहा है, सियासत कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सियासत यहाँ पर करना एक पॉपुलर पास टाइम भी है और एक नेशनल हॉबी भी है, और वो भी दुख तब होता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, युद्ध ऐसी स्थिति हो और देश महामारी से जूझ रहा है। अब उसमें जो है जो घोषणाएं हो रही हैं तो ये याद रखना होगा हमको कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप एक ऐलान करते हैं, उस पर जब कोई प्रतिक्रिया देता है तो फिर उस पर ये प्रतिक्रिया आती है कि इस पर सियासत शुरू हो गई। तो क्या किया जाए, ऐलान करना बंद कर दिया जाए
क्या हम तथ्यात्मक बातें ना करें, क्या हम ये ना सवाल उठाएं कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं हमारे 543 जो लोकसभा सदस्य हैं उनको 176 करोड़ रुपए मात्र मिलते हैं, उनके 30% वेतन कट जाने से आप एक शुरुआत अच्छी हुई है ये तो कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 9 लाख हजार करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जो प्रभावित होने वाली है उसमें ये राशि कोई मायने रखती है? दूसरी बात, हमने अब ये बताना है जनता को कि हमने निर्यात क्यों नहीं रोका था, फरवरी में कॉमर्स मिनिस्ट्री की गाइडलाइन को हमने क्यों नहीं माना, हमने अभी तक N95 किट्स कितनी मंगाई हैं, कल नर्सिंग डे के ऊपर बलरामपुर अस्पताल में क्या हुआ? मजहर नकवी साहब जी, जी इस पर हम बाद में बात करेंगे। और आप एजेंडा बता दीजिए, आप इशू बता दीजिए, हम लोग उस पर एक एक करके सब बात करेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि सार्थक बहस हो और एक एक सवाल हो और उस पर जवाब पूरा लिया जाए। आपको पता है इशू, आपको पता है जी सियासत हो रही है तो वो होगी, अब वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहेगी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो कांग्रेस पलटवार करेगी, समाजवादी पार्टी ये बताएगी कि नहीं ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपका दावा 100% नहीं है। कहना ये चाहिए कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कि हम अपने समर्थ भर पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ कमी रह गई हो तो हमको बताइए, हम उसको दूर करें। ये कह देना कि सब कुछ बेहतर है ये झूठ है। मजहर नकवी साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधायकों की 30% सैलरी और मंत्रियों की भी 30% सैलरी काट ली गई है। बताइए कि विधायकों को स्कॉर्पियो कहाँ से आती है? मैं उसी पर बात कर रहा था। इस समय वर्क टू होम हो रहा है, फिर आप लोग अलग चले जाते हैं। नहीं, हम चले जाते हैं, हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसके पर चर्चा नहीं होती है। मैं मुद्दे पर चले जाते हैं, रोक दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम जो करा गया है उसमें अभी तक विधायकों के शपथ पत्र नहीं आए। विधायकों की बात कर रहा हूँ, विधायक की पत्नी के पास कितने गहने हैं, ये सरकार के पास आ रहा है, वो गहने क्यों नहीं दान कर रहा है? अरे आप सुनिए, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। चलिए, आप जब कहिएगा तब कर लेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आज हमारा जो मुद्दा है जी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि वाकई 2 साल बचे हैं सरकार के और चुनावी वर्ष से 1 वर्ष पूर्व जो विपक्ष के विधायकों का दर्द है कि उनको अगर फंड नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्र के विकास कैसा करेंगे और वो अपने क्षेत्र की जनता को मुंह क्या दिखाएंगे? देखिए सुनील जी, जो राजनीति है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की बात करें, हेलो जी, हेलो जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए भूपेन जी। हाँ, देखिए राजनीति अपनी जगह है, अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो राज्य है उनको 6.4 लाख करोड़ की जरूरत है, एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, और केंद्र ने अभी तक 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया हुआ है जो टोटल जीडीपी का महज 0.8% है। सरकार इसको, सारे राज्य इसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अब देखिए इस समय महामारी के दौर में जब अर्थव्यवस्था को एक नुकसान पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था में ठप पड़ी हुई है, तो ऐसे में अब जरूरत तो है कि रिसोर्स का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, तो अभी किसी अन्य बदले हम किसी और पर खर्च न करें, उस खर्च को हम सारे राज्यों में फंड की क्राइसिस है और केंद्र में भी फंड की क्राइसिस है, फंड तो चाहिए ही, वो तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अब सवाल ये उठता है जो ये राजनीति हो रही है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आएंगे दोबारा से वापस लौट के, हमारे साथ में प्रभात त्रिपाठी जुड़े। प्रभात जी, क्या कहना है आपका? देखिए प्रदीप जी, आज इस वैश्विक महामारी में अच्छा होता कि ये राजनीति न होती। आज विधायकों को अपने फंड की चिंता है,
मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक जितने भी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन्होंने इन वैश्विक महामारी में क्या सहयोग किया? अपने करोड़ों अरबों रुपए इन पार्टियों के पास है, फंड है उनका अपना है, और ये वैश्विक महामारी, इसमें राजनीति बाद में अगर ये फंड हमने अगर कटौती की है सरकार ने, तो निश्चित तौर पे ये एक जो एक राष्ट्रीय रिलीफ फंड है उसमें ये पैसा जा रहा है, और सरकार के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। और देखिए लॉकडाउन 21 दिन का अभी है, और अभी लॉकडाउन और बढ़ सकता है ऐसी संभावना है, हमें 2 महीने तक कम से कम अभी और इस ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो सरकार ने जो ये फंड जो कटौती की है, मैं तो कह रहा हूं कि ये कटौती बहुत कम है, कटौती और भी की जानी चाहिए। देखिए जब राष्ट्रीय आपदा आती है, ये राष्ट्रीय आपदा है, इसको हम राष्ट्रीय आपदा मान के चले। विधायकों को अपने विकास निधि की चिंता नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आ रहा है, 1.5 साल बाद चुनाव होगा, हमारी विधायक निधि सस्पेंड कर दी गई है, या हम विकास काम क्या करेंगे? विकास काम हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वैश्विक महामारी में हमें डोर टू डोर हमें चिन्हित करने हैं कि कितने केसेस हैं, हमें कितने वार्ड बनाने हैं, कितने अस्पताल बनाने हैं, कैसे आइसोलेशन सेंटर बनाने हैं। तो ये सरकार की चिंता है। तो इससे अच्छा होता कि जो राजनीतिक दल हैं ये अपना फंड खोलते, अपनी पार्टी का फंड खोलते। मैं एक नई बात कह रहा हूं, और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा प्रदीप जी आपने रखा है कि जानने का अधिकार है लोगों को कि आखिर जो ये विधायक निधि सस्पेंड की गई है, इससे हमारे ये पैसे कहां लगेंगे, ये भी अभी हम बताएंगे आपको दूसरे दौर में। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा कदम है सरकार का, सराहनीय कदम है, इसे प्रलाप नहीं होना चाहिए, विपक्षी प्रलाप नहीं होना चाहिए, और हमें भी समीक्षा उसी तरीके से करनी चाहिए जो आम आदमी के लिए है। ठीक है, अमित त्रिपाठी, आपने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी के क्षेत्र का विकास होगा। सवाल ये उठता है, विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी चिंता ये है कि विकास आप करवाएंगे तो फायदा भी आपकी पार्टी को मिलेगा, विरोधी पार्टियों को तो फायदा इसका मिलेगा नहीं। देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले ही कह दिया और फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए न चुनाव महत्व रखता है, न हमारे लिए इस समय कुर्सी महत्व रखती है, हमारे लिए 130 करोड़ जनता, प्रदेश की 23 करोड़ जनता महत्व रखती है, हम उसके लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ अभी मैं त्रिपाठी जी बात कर रहे थे, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं, क्योंकि एक विधायक निधि 5 करोड़ रुपए, क्या इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर उनके 5 करोड़, तो पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने जो विधायक है उनको फंड अपनी तरफ से देना, क्षेत्र में विकास करवाए जाके, वहां क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, आपकी जवाब बात का जवाब भी ले लेता हूं। आपने ठीक कहा कि जो बसपा है उसने अपने सारे विधायकों से कहा है कि वो अपना फंड 1 करोड़ रुपया सरकार के खाते में दे, और ज्यादातर पार्टियों ने ऐसा किया है। आपने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीति जो दल है उसका फंड भी देना चाहिए, क्या आपकी पार्टी ने ऐसा किया है? प्रदीप जी मैं जी। आपको बता दूं जी। और इसके अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको डिटेल भी उपलब्ध करा दूंगा। हमारा संगठन आप जनता को बता दीजिए, हमको डिटेल मत उपलब्ध। मैं जनता ये समझना चाहती। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके मुताबिक हम लोगों के पास रोज फोन आ रहा है। हम लोग भी, आपको भी पता है प्रदीप जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, ये हमारे संगठन की ताकत है। त्रिपाठी जी, सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, आरएसएस काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल आ रहा हूँ, आनंद पांडे, पूरा मौका दूंगा आपको सवाल पूछने का, आ रहा हूँ। सवाल ये है कि विधायकों की जो चिंता है, विपक्ष के विधायक हैं उनकी चिंता ये है कि अगर वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे और तो वो कैसे अपने क्षेत्र की जनता के साथ सामंजस्य। प्रदीप जी, आपने वो इटली की जो वीडियो या फोटो नहीं देखी जहां रुपया जो था वो सड़कों पे पड़ा है, लोगों ने पैसा फेंक दिया है कि हमारी जान नहीं बचा सक रहे या पैसा, तो हम पैसा क्या करेंगे? तो ये समझने की बात है कि आप देख रहे हैं पैसा महत्व नहीं रखता है, जब हमारे पास जिंदगी हम नहीं बचा सकते हैं तो हम जनता को नहीं बचा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे इस पैसे का, इस चुनाव का? मैं उन विधायकों का दर्द आपको बता दूं जिससे कि जनता के सामने भी आ जाए। विपक्ष के विधायकों का यह भी कहना है कि आपके उप मुख्यमंत्री यानी कि सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हर विधायक के 10-10 करोड़ के काम वो करा देंगे,
विपक्ष के विधायकों के तो काम नहीं होंगे। देखिए प्रदीप जी, वो उप मुख्यमंत्री हमारे ही नहीं है सिर्फ, वो इन विधायकों के भी उप मुख्यमंत्री है। अच्छा, मतलब तो वो सबके लिए अगर ये जाएंगे, अगर ये अपना चीजें रखते हैं आगे बिंदु पे, तो वो जरूर विचार करेंगे। कोई ऐसा नहीं, कोई पारदर्शिता के साथ पूरे काम हो रहे हैं, कोई मतभेद या किसी को व्यक्तिगत परेशान नहीं किया जा रहा। ये देखिए, ये केवल आरोप लगाने के लिए आरोप ना लगाए जाएं, क्योंकि आज जो हमारी सरकार है, 23 करोड़ जनता के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के हितों में फैसले ले रहे हैं, और इतना कोई विधायक आप भी जानते कोई कमजोर नहीं है कि अगर किसी का 5 करोड़ रुपए की निधि या उसकी तनख्वाह काट ली जाती है तो वो सड़क पे आ जाएगा, वो विकास नहीं करा सकता। और मैं एक चीज और बताता हूँ प्रदीप जी, एक चीज और, उनकी चिंता ये नहीं कि आपने उनकी सैलरी कट है, उनकी चिंता ये है कि अगर उनको फंड मिल जाता तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाते। प्रदीप जी देखिए, सबसे बड़ा मैसेज हमारे जो, मैं आपको कई विधायक के अपने नाम बता सकता हूँ जिन्होंने अपने 4-4, 5-5 महीने की सैलरी एडवांस में दे दिए। माननीय पंकज सिंह जी ने दे दिए, हमारे सुकमा विधायक जी उन्होंने दे दिए, सैलरी दे दिए भाई, 4 महीने की तो बात छोड़े, साल साल भर की सैलरी। जी जी, नहीं नहीं, तो वही कह रहे ब्रजेश पाठक जी ने अपने 3 साल जो बचे हैं उनकी निधि पूरी की पूरी दे दी है। तो ये काम करने का, देखिए इस समय चुनाव महत्व नहीं रखता हमारी पार्टी के लिए, राष्ट्र पहले है, हमारी जनता की सेवा पहले, जनता को समर्पित सरकार रही है। लेकिन वो मंत्री है और मंत्री तो अपने क्षेत्र का विकास करा ही लेगा ना, उसके बाद तमाम सारे सारे पावर्स होते आएंगे। दोबारा से आपके पास में आएंगे, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और छोटा सा ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो आनंद पांडे का रुख करेंगे और उनकी जो उनके जो विधायकों की का दर्द है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने सवाल साझा कर सकते हैं अमित त्रिपाठी से। छोटा सा ब्रेक। खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा, नहीं है तो टेंशन मत करो ना। कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप, ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना, छोटा हो या बड़ा हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना की हर खबर पर रहे आपकी नजर, इसलिए एक योद्धा हर घर कर रहा मुश्किल सफर। लॉकडाउन में आपके मनोरंजन में ना पड़े खलल, इसलिए आप तक पहुंचा रहा स्वच्छ टीवी केबल। कोरोना की इस लड़ाई में जरूरी है आपका योगदान, अपने केबल ऑपरेटर को समय पर करें मासिक भुगतान। सुचारू केबल सेवाओं के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे अथवा कैश भुगतान जमा करवाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी।
आपका स्वागत है। आनंद पांडे का रुख करेंगे। आनंद पांडे जी, जिस समय कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है और महामारी से ग्रसित है पूरा विश्व, देश की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे समय में विधायक निधि की चिंता करना कितना जायज है? देखिए, हम लोग तो देश के साथ में हैं, मगर इसके साथ में जो ये राजनीति करी जा रही है उसके पूरा हम लोग खिलाफत भी करते हैं। अरे आज ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग समाज सेवा करने में समाजवादियों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर समाज सेवा करने में कौन उतरा है? हमारे तो जितने भी विधायक हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ते हैं, आप देख सकते हैं कि दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं और लोगों में भोजन कर रहे हैं। हर वार्ड में भोजन बैंक खोला जा चुका है, हर वार्ड में अपना अपना काम चल रहा है और लोगों को गरीबों तक का खाना खिलाया जा रहा है। और ये कहीं पर अगर कुछ कर रहे हो तो आप हमें बताइए कि इनका कहाँ पे बैंक वार्ड बैंक चल रहा है, इनका एक करोड़ कार्यकर्ता कहाँ पे? आनंद पांडे जी, इन्होंने नहीं, देखिए देखिए रही निधि वाली बात, तो हमारे समाजवादी पार्टी का हम सवाल देखिए, काम से पहचाने जाते हो, जनता के बीच में जा करके अपने काम से पहचाने जाते, अपने सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं, ना कि उनको नहीं, आप कारनामे से पहचाने जाते हैं। अरे कारनामे आपके हैं, कन्नौज में जाइए जाकर के, आपके सुब्रत पाठक ने क्या करा है, अधिकारियों को मारा है जाकर के। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कारनामे बता रहे हैं आप डिबेट में बैठे हैं। अरे आप बताइए ना, आपके क्या कर रहे हैं? मत वहाँ पर 1,000 आदमी भीड़ ले जाकर के किसी के अंदर घुस करके मारेंगे, वो कारनामे आप लोगों के हैं, कारनामे से पहचाने जाते हैं। तो हमारे जितने क्या भी हम कारनामे से पहचाने जाते हैं हम लोग। कौन घर में घुस के मारेगा? कौन मारा? कौन घर में घुस के मारेगा? सुब्रत पाठक जी ने क्या किया? पांडे जी, कौन घर में घुस के मारेगा? अमित त्रिपाठी, सुब्रत पाठक जी ने क्या किया? पांडे जी, कौन घर में घुस के मारेगा? आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, दोनों लोग सुनिए, ये भाषा का प्रयोग नहीं होगा। अमित त्रिपाठी, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, सुनिए एक मिनट के, आतंकवादी भाषा का प्रयोग नहीं करिए। अमित त्रिपाठी एक मिनट रुकिए, और आनंद पांडे जी आप दोनों थोड़ा संयम बरतिए, आज इस तरह से अनर्गल बातें नहीं होगी, आतंकवादी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं, वो लगे हैं दिन रात। आनंद पांडे जी, नहीं ठीक है, आनंद पांडे सवाल ये है, देश जब महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में विधायकों को अपनी विधायक निधि की चिंता करना कितना जायज है? देखिए, विधायक निधि की चिंता करने वाली बात है, देश महामारी से जूझ रहा है तो विधायकों का हम तो कहते हैं उनकी जो तनख्वाह काट ली जाए, जो उनको सुविधा, क्योंकि वो जनता के बीच में सेवा करने के लिए निकले हुए हैं और वो जनता की सेवा करने चाहते हैं, मगर सवाल एक है कि अपने क्षेत्र में कम से कम उन विधायकों को भी तो कुछ काम करना है। मान लीजिए आप चलिए, वो आप जो उनकी निधि है, उनकी निधि के द्वारा वहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था कर दी जाए और भी सुविधाएं दी जाए, व्यवस्था कर दी जाए तो वो ठीक रहेगा हमारे ख्याल से। और रह गई बात ये, आनंद पांडे जी, आनंद पांडे जी, आप विधायक व्यक्तिगत तौर पर करेगा और यहाँ सरकार सामूहिक तौर पर कर रही है, सारा फंड इकट्ठा करके वो इस महामारी से लड़ने में लगा रही है, आपको आपत्ति क्या है? देखिए ऐसा है कि सरकार अपने को हमेशा ये दुर्भावना के उससे करेंगी, ये अपने अपने व्यक्तियों को देंगे, वहां पर अपने व्यक्तियों को विकास करने के लिए देंगे, जनता ने भी तो विपक्ष को चुन करके भेजा है, जब विपक्ष के पास में वहां पर कोई सुनवाई नहीं होनी है, किसी प्रकार का वहां होना ही नहीं है, तो हम क्षेत्र में ले जा करके क्या विकास करेंगे और जनता को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम ठीक है, हम जनता की सेवा के लिए हैं, कार्य कर रहे हैं। अमित त्रिपाठी का दावा है, आनंद पांडे जी, जी जी, अमित त्रिपाठी का दावा है कि जो भी काम हो रहे हैं अगर आप भी किसी मंत्री के पास जाएंगे तो आपके भी काम होंगे। देखिए ऐसा है कि हम लोग जब सदन में बैठे हुए हैं, जा करके जब हमारी निधि होती है तो हम अपने हिसाब से अपनी निधि का काम कराते हैं। मान लीजिए अभी कहीं पे 2 लाख का काम होना, कहीं 1 लाख का काम होना, कहीं जल की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं किसी भी चीज की समस्या है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काम होते हैं। इस समय कोरोना सबसे पहले काम है? नहीं, कोरोना काम है, आपकी बात करना पहले काम है। हाँ, तो अभी तक सैनिटाइज किया गया है? बताइए, अभी क्षेत्रों में आपको मैं दिखा दूं जा करके सैनिटाइज किया गया है, और अगर कहीं पे जो समाज सेवी कर रहे हैं तो जा करके एक फोटो खिंचाने के लिए केवल दरवाजे पे करके चले गए, सैनिटाइज। ये समय सरकार पर आरोप लगाने का नहीं है,
आनंद पांडे जी, ये समय सरकार पर आरोप लगाने का नहीं है, ये समय सरकार के साथ खड़े होने का है। अरे सरकार के साथ में पूरा देश खड़ा है, पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी दल हैं, सब लोग सरकार के साथ में खड़े हैं, और सरकार के साथ में जनता के साथ में खड़े हुए हैं, लगे हैं दिन रात, सोते नहीं है लोग, दिन रात रसोईयां चल रही, दिन रात लोगों के भोजन उपलब्ध कराया जा रहा, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही, लोगों सोते नहीं हमारे विधायक। आनंद पांडे जी, सवाल सुन लीजिए, आपने, आपको जब मैंने मौका दिया था, आपने कहा कि ये छोटी सी मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी मुश्किल नहीं है, ये वैश्विक महामारी है, इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत महामारी है, ये महामारी इसको WHO ने महामारी का रूप दिया है। देखिए महामारी है ये, पूरे विश्व के अंदर ये महामारी है, और ये आने वाले समय में पूरी जनता साथ दे रही है, जितने भी विपक्षी दल हैं इस चीज को सीरियस में ले करके उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम लोग भी जनता को बीच में जा करके जागरूक कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लोग घरों से ना निकले, प्रार्थना है। आपको नहीं लगता कि राजनीति बाद में हो सकती थी? नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक बात, अब जब ये ऐसी बात बोल रहे हैं तो ऐसी बात भी तो इनको नहीं कहना चाहिए, जब समाजवादी पार्टी के पे उंगली उठाने की इनको क्या हो सकता थी। ठीक ठीक है भाई, राजनीति तो ये कर रहे हैं ना, जब ये कहेंगे कुछ तो हम बोलेंगे भी। ठीक, आपका आपका वो हो गया, आपके पास दोबारा से आएंगे। मजाह नकवी साहब, हम बात कर रहे हैं कि ये जो 30% की सैलरी काटी गई है और 3 करोड़ रुपए प्रति जो विधायक का फंड था वो उसको रोक दिया गया 1 साल के लिए, इससे कुल जमा 17 करोड़ रुपए खर्च होगा, क्या ये पर्याप्त होगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? प्रदीप जी, यहाँ बात ये नहीं है कि पर्याप्त होगा या नहीं, एक शुरुआत है, एक पहल है जिसका सबको स्वागत करना चाहिए, अगर लोगों को लगता है कि ये धनराशि कम है तो वो उसमें आगे बढ़कर सहयोग करें। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक पहल करी, उसके समर्थन में लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस पहल का और बेहतर पहल से कैसे जवाब दिया जा सकता है वो हमें सोचना चाहिए। और मेरा अपना यह मानना है कि विपक्ष इस समय आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कुछ ऐसी पहल करे जिससे समाज में ये संदेश जाए कि अगर उनके पार्टी के पास फंड है और उनके पास भी अगर फंड है तो वो आकस्मिक कोई मामला ऐसा आया है तो उसको देने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ नाम लिए बगैर एक नेता का कहना चाहूंगा कि उनका जी मजर नकवी साहब, सवाल सुनिए जी, सवाल ये है, विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों का ये कहना है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वो जो विधायक निधि थी उनको ये कहा जाता कि अपने क्षेत्र में आप इसे इक्विपमेंट खरीदिए, इसे अस्पताल में हेल्प करिए, तो हम भी क्षेत्र का अपने उसमें विकास कर सकते, उनकी चिंता तो जायज है ना? नहीं देखिए, उनकी चिंता जायज है तो हमें पहले ये सरकार को बताना पड़ेगा ना कि उसके पास किट सब उपलब्ध हो गई या नहीं। सच्चाई तो आज भी यही है कि हम 1,40,000 से ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं, हमारे पास अभी तक एक हम जन आंदोलन नहीं बना पाए कि अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है तो आप ऐसे करके जो है वो कर लीजिए। मदन नकवी साहब, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, हम लोग इस पर तमाम बार चर्चा कर चुके हैं। नहीं, 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 आप हो सकता है मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब पाएंगे, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। हाँ, आप पहले सवाल सुनिए, सुन लीजिए, नहीं सवाल सुनिए, सवाल ये है, हमको पता है, हम तमाम बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि स्वास्थ्य के मामले में हमारा देश 112वें नंबर पर है, ये और तमाम देश नंबर सवाल कर लीजिए, आप सवाल कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से सवाल ये है, हाँ सवाल सुनिए, सवाल ये है कि अगर ये इन विधायकों को उनकी निधि इसमें खर्च, उनकी चिंता भी जायज है क्योंकि चुनाव के मात्र 1.5 साल बचे हैं, और उनकी चिंता यह है कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसके तो अपने काम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं कराएंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? प्रदीप जी, मैं इस सवाल का जवाब आपको दो तरीके से देना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि ये चिंता बिल्कुल जो है उनकी जी, आशंका जो है वो निर्मूल है, हम ये तो हमारी सरकारों ने पूर्ववर्ती गड़बड़ कर दी, नहीं तो पहले विधायक का चुनाव क्या विधायक निधि के सहारे लड़ा जाता था, लोग अपना काम करते थे, चेहरा होता था उसके क्या नाम है आधार पर वोट मिलता था, और लोगों ने यहाँ पर बगैर पैसा करे खर्च भी चुनाव जीता है। ये अफीम जो है खिलाने की जो
प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई उसी का तो हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। फिर पहली बात यह है कि सारे विधायक क्या आश्वस्त है कि उनको पार्टी का टिकट मिल ही जाएगा? क्या ऐसा कोई आश्वासन उनको मिल गया है जो कि वो आपको जो है टिकट मिल जाएगा? और आपने उनकी पार्टी का मामला है, विषयांतर कर देते हैं। मैं बिल्कुल पार्टी का मामला है कि वो टिकट देगी या ना देगी, इससे हमको और आपको क्या लेना देना है? कहना है कि चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे सरकारी पक्ष के विधायक हो, उनको इस समय कोरोना से जंग में अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लड़ना चाहिए और इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि अगली बार वो विधायक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रहित में इतना उनके अंदर समर्पण की भावना होना चाहिए। अरे भाई, आदमी जीना कैसे छोड़ देगा मजहब नकवी साहब? अरे भाई, क्या राजनीति मिशन थी, उसको प्रोफेशन जो बनाया गया यही तो गड़बड़ हो गई है। लोग पहले समाज सेवा के लिए राजनीति करते थे, अब पेट्रोल पंप के लिए राजनीति करते हैं, स्कॉर्पियो के लिए काम करते हैं, गार्ड के लिए काम करते हैं, होने के बाद एक कांस्टेबल चाहिए। हो गई बात आपकी, ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, ठीक है भाई, हो गई बात आपकी। प्रभात त्रिपाठी, आपने कहा सारी राजनीतिक पार्टियों के पास में अरबों रुपए का फंड है, सारी पार्टियों को देना चाहिए, इसमें किसी कोई एक पार्टी नहीं है, बताइए। देखिए प्रदीप जी, मैं ये कह रहा था जी कि इस वैश्विक महामारी में सरकार अगर ये विधायक निधि सस्पेंड कर रही है, स्थगित कर रही है, तो इसमें चिंता किसी विधायकों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, विधायक कह रहे हैं कि अगर क्षेत्र में इक्विपमेंट नहीं आएंगे तो वो आगे क्या करेंगे, सरकार परचेजिंग करे, सरकार के पास परचेजिंग पावर है, जितने पैसे का पूरा फंड है। देखिए मैं आपको पार्टी जी, आप नहीं, या एक तो बात को समझ नहीं पा रहे हैं नहीं, या मैं आपको समझा नहीं, नहीं, पा रहा हूं। आप मुझसे सवाल सवाल ये है, विधायकों का ये मानना है कि उनकी विधायक निधि उनको दी जाती और ये कहा जाता कि आप ये विधायक निधि सिर्फ ये उनका मानना लड़ने के लिए खर्च करेंगे, उनका मानना बिल्कुल गलत है। सरकार ने जो भी कदम उठाया है इस वैश्विक महामारी को देखते हुए, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए इसमें सामाजिक समाज के लोग, धर्म के लोग और राजनीति के लोग, ये ऐसी वैश्विक महामारी है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, अरे वो सदैव राजनीति करने के लिए बहुत समय आएगा, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं एक मिनट, पूरी बात हमारी हो जाए, और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि फंड की कोई कमी ना हो इस वैश्विक महामारी के इलाज में, क्योंकि अभी ये इलाज हमारे यहाँ दूसरे चरण पर चल रहा है, अभी हमने थर्ड चरण को हम पहुंचे ही नहीं है, और ये महामारी ऐसी भयंकर रूप लेगी अगर हमने लॉकडाउन न किया होता और लॉकडाउन का पालन न किया होता। देखिए बात त्रिपाठी, अब उस पर फिर जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी, उसको छोड़ दीजिए, वहां पर नहीं जाना चाह रहे हम, अपने मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपना फंड देना चाहिए क्योंकि उनके पास अरबों रुपए का फंड है, क्या वास्तव में सारी पार्टियों को देना चाहिए? क्या किसी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत करनी चाहिए, सत्ताधारी पार्टी है और सभी देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि दिखाई दे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि आनंद पांडे कह रहे हैं कि हमारे तो लोग वहां सड़कों पर उतरे हैं, खाना भोजन खिला रहे हैं, अरे ये भोजन खाना खिलाने की बात नहीं है, वो एक रोज का एक रोजमर्रा की चीज है। अभी हमें बहुत से जो हम सैनिटाइज कर रहे हैं अपने घरों को, शहरों को लॉकडाउन करके, उसके बाद हमें अभी बहुत से आइसोलेशन वार्ड की जरूरत होगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी हमारे पास। देखिए अभी प्रदीप जी, एक बात मैं बहुत ही शालीनता से कहना चाहूंगा कि ये वैश्विक महामारी का जो चरण दूसरा है, अभी हम लोग लॉकडाउन नहीं हो पा रहा। प्रभात त्रिपाठी, मैं आपको बता दूं, ये तय नहीं हो पा रहा है कि दूसरा चरण है कि तीसरा चरण है, हम किस चरण में है अभी तय नहीं हुआ, ये बात मान के चलिए। डब्ल्यूएचओ ने भी लोगों को पैसा देना चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने भी अभी डिक्लेयर कर दिया कि हम किस चरण में हैं, हम रोक लें ये बड़ी बात है, और अभी तक हम अपने आप को रोक, आप कह रहे हैं राजनीतिक दलों को पैसा देना चाहिए कि नहीं, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दलों को अपने फंड से पैसा देना चाहिए और लोगों के लिए सड़कों पर निकलना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, ये जो विधायकों की निधि और कटौती की गई है वेतन में, इससे कुल जमा 17.5 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे, क्या ये पर्याप्त होगा या आप ये कह सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है? जिला निवासियों द्वारा अपने पसंद की कंपनी को टेंडर दिया
आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। भूपेन जी आपकी आवाज हमारे मेहमानों को साफ से नहीं मिल पा रही है, अपने सहयोगों से कहेंगे कि एक बार दोबारा से उनको जुड़ने का प्रयास करें। हम अमित त्रिपाठी का रुख करेंगे, आएंगे आपको पास। भूपेन जी दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे। अमित त्रिपाठी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी आनंद पांडे जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारने की धमकी दी है। प्रदीप जी जी देखिए जो आपने कहा कि आपने कहा कि उनके कारनामों का आपने कामों के नहीं कारनामों में है। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाए, उनको मार खिलाया, तब उन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं डगा, तो ये टीवी पर बैठ के किसको धमकी दे रहे हैं? ये गलत फहमी में बात हो गई, ये गलत फहमी में ना रहे त्रिपाठी। वो बात हो गई, वो खत्म हो गई। उसका जवाब वापस आइए। आप जो विधायकों की चिंता है उसको आप किस रूप में देखते हैं उस पर बता जाओ। प्रदीप जी साफ स्पष्ट चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या ना हो, अगर नहीं भी होगा तो उस विधानसभा की चिंता करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही वही चिंता करेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लगातार अमित जी तब उनकी चिंता यह है कि सारे अगर 403 विधानसभा की चिंता आप ही कर लेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? देखिए तो अब क्या इसका मतलब विपक्ष इन्हें खत्म हो? प्रदीप जी ये तो कौन थोड़ा सा सोचने की बात है, सरकार हमारी है। अगर मान लीजिए इस समय अखिलेश की सरकार होती इस समय मौजूदा में तो यही ये थोड़ा तो प्लस पॉइंट उनकी तरफ जाता, लेकिन हमने पहले कह दिया हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो जनता के हितों का विषय है उसको रख रहे हैं। हमारे लिए जनता की एक एक चीजों को, जैसे आप बार बार पूछ रहे दवाइयों का खर्चा, दवाइयां कितनी आई हैं, कितने बेड बने, सुनिए बाकी तो लोगों को रोका ही का पैसा है जो कटौती की जा रही है सब उन्हीं सब में लगेगा, कोई सरकार किसी को रखने नहीं जा रही है। अमित त्रिपाठी मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ही कह दिया था ये सारा पैसा जो कटा गया है ये कोरोना से लड़ने में लगाया जाएगा। प्रदीप जी जी तो हमें विधायक किसने बनाया? जनता ने बनाया, तो हमारी जनता को अगर आज दिक्कत में है, जनता को जिम्मेदारी किसकी है कि उसको हर चीज सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो हम पहले चुनाव देखेंगे, आगे की राजनीति देखेंगे कि हम उस एक वोट जो अमित त्रिपाठी आराधना जी का आरोप है, आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस की विधायक दल की नेता, उनका आरोप है कि जब वो अपने फंड के लिए वहां पर जाती है तो डीएम साहब कह देते हैं कि जो क्षेत्र के नेता हैं भाजपा के उन्हीं के कहने पर काम किया जाएगा, भेदभाव किया जाता है। जी पहले तो मैं बता दूं कांग्रेस में खुद ही दो फाड़ हैं। आपने परसों भी देखा कि आप ही के चैनल पर कांग्रेस के नेता इस जो 30% कटौती था उसका स्वागत कर रहे थे, सचिन जी जो आपके यहाँ प्रवक्ता थे उन्होंने स्वागत किया था, एक बात। दूसरी चीज है ये तो आरोप, देखिए आज विपक्ष का काम ही आरोप है लगाना, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरोप के नहीं आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमित त्रिपाठी जी कांग्रेस में दो फाड़ है, चार फाड़ है, इससे आपको क्या लेना देना? आपकी पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको छोड़ दीजिए उनसे क्या मतलब है। चलिए तो जी, मैंने आपसे कहा ना कि जब आधे नेता इनके स्वागत कर रहे हैं इस कदम का, तो आधे विरोध क्यों कर रहे हैं? ये पॉइंट की बात है, ये बात ठीक है। मैं और दूसरी चीज एक चीज और कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये टीवी पे बैठ के इस समय लड़ने का समय नहीं है। क्यों नहीं, मायावती जी के भी तो विधायक हैं, उनको क्यों नहीं चिंता अपने क्षेत्र की? उनको चिंता है कि आज कैसे हम अपने राष्ट्र को, अपने कैसे अपने उत्तर प्रदेश को बचाएं, अपने जो जनता जिन्होंने हमको चुना है कैसे हम उनको बचाएं। तो इस तरीके की नियत को रख के सामने आना चाहिए, जनता भी आपको देखेगी। अगर आपने अच्छे काम किए तो आप उसी आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है आनंद पांडे जी, बहुजन समाज पार्टी ने तो अपने विधायकों को पूरी तरीके से लगा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे क्यों नहीं आ रही कि सरकार के साथ खड़ी हो और सरकार का पूरा सहयोग करे? देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हमारे माननीय अखिलेश जी ने शुरू में ही सबसे पहले मीटिंग ले करके उन्होंने कह दिया था, सारे विधायक जो जितने भी समाज जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं और जितने भी मतलब बूथ एजेंटों तक की हम लोगों की मीटिंगें हो करके ये है कि जहाँ पे भी जनता की जो भी मदद आप अपने उससे कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर लो, और हम लोग लगे भी हैं इस महामारी में। अगर कोई कहे कि हम ही लगे हैं तो ये गलत बात है। और रह गई कि दलों की बात, तो आज कोई ये ऐसी महामारी नहीं, देखिए सर महामारी संकट है कि देश का कोई भी दल
इसमें हमारे ख्याल से राजनीति नहीं कह रहा है। आज ये हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें आप भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें राजनीति की जा रही, अरे अपनी बात कहना गलत है। हम चुन करके आए हुए, जनता जनता से चुन करके आए हुए हैं, हम अपनी बात तो रखेंगे, हम सरकार से अपनी बात नहीं रखेंगे, इससे नहीं रखेंगे। फिर आपने कहा कि वो नहीं करेंगे, ये सही बात है कि सर वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी तो वो सही कह रही है कि कम से कम आप जिला अधिकारी के पास जाइए। जिला अधिकारी तो आपको मालूम है कि अब बैठे किसके लिए हैं, वो तो सीधे कह देंगे जो सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका काम दो मिनट के अंदर हो जाएगा, उनका हर कार्य हो जाएगा। जो विपक्ष के बेचारे विधायक बैठे हुए हैं वो बैठे हैं, अब जिला अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते घूमे उन छोटे छोटे कामों के लिए, तो सवाल कहीं संकट खड़ा है। आनंद पांडे जी, ठीक है सवाल, आनंद पांडे सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या आपके विधायक, आपकी पार्टी इतनी कमजोर है कि वो व्यक्तिगत तौर पर मदद नहीं कर सकती है लोगों की? क्यों नहीं आगे बढ़ के विधायक आते हैं? बिल्कुल हमारे विधायक कमजोर नहीं है, हमारी पार्टी कमजोर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, जिसको जो है हम लोग मदद कर रहे हैं। ये फिर मैं कह देता हूँ, हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं, जिसकी जिस हिसाब से हैसियत है उस हिसाब से मदद की जा रही है। क्यों कर रहे हैं? और रह गई आज केंद्र में बैठे, नहीं तो सबसे पहले शुरुआत सरकार करे ना, फिर सवाल केंद्र कर रहे हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी करे, केंद्र में करे, केंद्र में जो बैठे हमारे वो करें। 125 करोड़ के आदमी है गौतम गंभीर जी, वो अपना 25% दें, शुरुआत वहां से होनी चाहिए, केंद्र के लोग आगे बढ़े, उसके बाद में हम लोग तो बाद में आ ही जाएंगे वहां से। अरे आप आगे आइए ना, पता नहीं है सबसे बड़ी ताकत में बैठे, आप आगे आइए, अरे आप आइए प्रदेश में आइए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, और फिर उसके बाद ये कहिए कि अगर हम नहीं करते हैं तो जो मुंह में आ गया बोल जा रहा है, तत्व के साथ बात ही नहीं कर रहा। अरे मैं तत्व के साथ में कह रहा हूँ, आप अपने यहाँ का पहले आप आकलन करके करवाइए, आगे आप बढ़िए, उसके दो हम लोग आपके पीछे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सरकार पे बैठे हुए, आपको आगे तो आपको आना चाहिए। आगे तो क्या सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं से पैसा उसकी निधि ली जा रही है? पूरे 403 विधायकों से ली जा रही है, जितने भी राज्यसभा जितने भी एमएमसी है सबसे निधि ली जा रही है, कोई विपक्ष केवल आप ही के विधायक से नहीं ली जा रही है, और आपको भी जनता ने चुना है, आप हवा में नहीं विधायक बन गए, बिल्कुल आपकी भी है जनता की सेवा करने की। अरे तो जनता की सेवा कर, जनता ने चुना तो हम जनता ही की बात आपको खड़े होना चाहिए, हम जनता ही की बात कर रहे हैं। अपना दिल बड़ा कीजिए, जनता के हितों की सोचिए। अरे हमारा लोगों का दिल बड़ा है, जनता ही के हितों की सोचते हैं, हमने हमेशा जो भी काम किए हैं मांगने के लिए दिया, तो चाहे जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? अरे अमित जी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, जुड़े हुए जमीन के लोग हैं, हमने विकास किया है, हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने काम किया है, हमने लोगों गरीबों मजदूरों के साथ में खड़े रहे हैं, आपने कहां से किया है? अरे आपने अभी तक किया तो बताइए ना, उत्तर प्रदेश के पूर्व, अरे आज इतनी बड़ी महामारी आ गई तब आप बता रहे हैं, आपने उसके पहले कोई जनता के लिए करा है, जमीन से जुड़ के सरकार किया हो तो आप बताइए। 50 करोड़ भैया उनके पास। प्रदीप जी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने कहीं देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूं, आपने कहीं नहीं देखा होगा ना माननीय मुख्यमंत्री जी के कहीं भी खाने के पैकेट में कहीं चित्र आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन इनके यहाँ जो चित्र होगा उसमें राजनीति होगी, अखिलेश यादव का बड़ा बड़ा फोटो लगा के गरीबों को राशन बांटा जाएगा, तो ये तो बेशर्मी हो गई है। उसके बाद ये हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारा एक भी दिखा दीजिए नेता ने अपना उसमें लगाया हो, कोई सांसद ने लगाया हो, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लगाओ तो बताएं आप हमें। बिल्कुल ठीक है, राजनीति आप करते हैं, हम राजनीति नहीं, हम लोग इस समय जनसेवा में लगे हुए हैं। योगी जी के भी कई उसमें चित्र लगे हुए हैं। ठीक है समझ आए, ठीक है ठीक है, हो गई बात, हो गई बात, अमित बात हो गई आपकी। आनंद पांडे जी आपको पूरा मौका मिल गया है, अब आप रुकिए जरा, ठीक है बात हो गई, मजा नकवी साहब, ठीक है ये कोरोना वायरस है, इससे हम लोग लड़ रहे हैं, वैश्विक महामारी है, लड़के इससे उबर भी जाएंगे, लेकिन भविष्य की चिंता भी तो करनी पड़ेगी ना। देखिए प्रदीप जी, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। सबसे पहले तो देश में एक भी कोरोना का संक्रमित ना रहे, उसके बाद अगले 3 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, वो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो करेक्ट कर दें। यहाँ पर हम लोगों को 9,00,000 करोड़ का जो है नुकसान होने वाला है, उन्होंने जो आंकड़ा दिया था 1.75 का बिल्कुल ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसके पिछले 3 क्वार्टर बहुत ख़राब गुजर गए, और 4th क्वार्टर में तो स्थिति और विकट होने वाली है।
कुल मिलाकर हम लोग जो है एक बहुत ही मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दौर से निकलने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता होगी और पूरे देश की जनता को उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ये मानते हुए कि इस समय हम एक युद्ध पर हैं और ये एक लंबी लड़ाई है और उसमें हमको जाति धर्म और राजनीति इन तीनों से जो है परहेज करना होगा। और अभी प्रधानमंत्री राहत कोष में मात्र 3,800 करोड़ रुपए हैं जो बहुत ही कम धनराशि है, ये अच्छी भी नहीं लगती सुनने में। हमारा अनुरोध ये है कि इलेक्शन कमीशन के हलफनामे जो है वो दे दिए जाएं, सारे लोग पैसा अब अपने आप दे, प्रधानमंत्री उनका स्वागत करें, अपील कर दें। अपडेट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, सुनिए अपडेट, सुन लीजिए, अपडेट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री राहत कोष में पहले ही 3,800 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और दूसरा फंड बनाया है पीएम केयर्स फंड, पैसा उसमें भी आ रहा है। देश के धनाढ्य लोगों ने तमाम पैसा उसमें दिया है, लेकिन उसमें प्रदीप जी राजनीतिज्ञों की संख्या बहुत कम है, स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत कम है, उनकी टोटल इनकम जो है 250 करोड़ है और उन्होंने दिए हैं 25 लाख। हमारी आपत्ति यह है कि जिसके पास 250 करोड़ रुपए है वो बड़ा दिल दिखाए, जिसके पास 800 करोड़ का डोनेशन आया है वो बड़ा दिल दिखाए, और समाजवादी पार्टी के पास जो है जितना धन आया है उसी अनुपात में वो भी दे, हजारों करोड़ है वो भी दे, ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए। और सब जानते हैं कि बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, जी प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट पहले भूपेंद्र जी के पास चले जाता हूँ। हाँ भूपेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए जो महामारी की वजह से अब जो हमारा प्रेडिक्शन है जो अच्छी बात कर रहे हैं, अब तो बहुत सारी कंपनियों में और बहुत सारे माफ करिएगा, आपकी आवाज अभी भी साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए प्रभात त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं देखिए प्रदीप जी, आपने ये विषय बहुत अच्छा रखा, जनता को जानने का अधिकार है, लेकिन मेरा फिर ये एक बात कहने का है कि ये एक ऐसी महामारी के समय हमें राजनीतिक मुद्दे को नहीं छूना चाहिए। सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, पूरी बात आ जाए मेरी, सामान नहीं सुन, देखिए पूरी बात आ जाए मेरी, हम 50 बार कह चुके हैं कि सरकारें काम कर रही हैं पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ सामाजिक संगठनों को, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ सामाजिक संगठनों को इस समय राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जितना भी पैसा फंड है राजनीतिक समस्त राजनीतिक पार्टी के व्यक्तिगत तौर पे उनको एक फंड पे सहयोग करना चाहिए। ये विधायक निधि जो सस्पेंड हो गई है, ये 2 साल तक सस्पेंड रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, हमारे वार्ड बनने चाहिए, हमारे जो है सरकार जो आम जन के लिए जो काम कर रही है उसमें ध्यान दे रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो ये जो अभी तक डिबेट का कुल मिला करके लंबो लोब निकल के आ रहा है वो ये है कि फिल वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से हम महामारी से लड़ रहे हैं उसमें सभी को मिलकर के सरकार का हाथ बटाना चाहिए और हमारे विपक्ष के विधायक इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी विधायक निधि से सिर्फ क्षेत्र का विकास करते हैं, उनके पास अपना भी बहुत पैसा होता है, उससे भी अपने क्षेत्र का विकास वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टियों के पास में भी करोड़ों रुपए हैं, हजारों रुपए हैं, लाखों करोड़ रुपए हैं, उसमें भी राजनीतिक पार्टियों को भी आगे बढ़ करके योगदान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो पैसा लेती हैं, फंड लेती हैं जनता से, उसी तरीके से जनता के काम के लिए जनता फंड निकालना भी चाहिए। लेकिन सब कुल मिलाकर के यही है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।